नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर के साथ मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और हमारे इस खास शो में होगी 24 घंटे की सभी बड़ी खबरें पूरे रफ्तार और विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का ये सफर। पहली खबर की हम बात करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज भारत के आवास 6A कृष्णा मेनन मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहुंचे और उनको वहीं सम्मान को दिया गया। इतिहास में पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी को घर पे जाकर भारत रत्न का अवार्ड दिए हों। ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को जन्मे वाजपेयी पहले जनसंघ फिर बीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष रहे। दिलचस्प बात यह रही कि तीन बार प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी के समय में देश की आर्थिक विकास दर तेज रही। वह देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जिनका कांग्रेस से कभी कोई नाता नहीं रहा। साथ ही वह कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल के ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहरे जुड़े होने के बावजूद वाजपेयी धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी राजनेता के रूप में पहचाने गए। उनकी लोकप्रियता भी दलगल सीमाओं से परे रही। करिश्माई नेता, ओजस्वी वक्ता और प्रखर कवि के रूप में प्रख्यात वाजपेयी को उस साहसिक पहल के लिए भी जाना जाता है जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में उनकी 1999 की ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा आयोजित हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और जो लोग उनको जानते हैं उनका कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप में एक अलग शख्सियत हैं और उनके नाम तमाम खास क्या हैं। उनको अवार्ड पहले ही मिल जाना चाहिए लेकिन सियासी कारणों से लेट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कानपुर के डीएवी कॉलेज से बेहद ही पुराना रिश्ता रहा है और यही वजह है कि आज उन्हें भारत रत्न दिए जाने पर वहां के शिक्षक और छात्र बेहद ही खुश दिखाई दिए। लेकिन सबसे ज्यादा खुश उनके सहपाठी रहे डॉक्टर राम मोहन सिंह दिखाई दिए। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मेरे मित्र को भारत रत्न से नवाजा गया है। गौरतलब है कि कानपुर के डीएवी कॉलेज से वाजपेयी जी ने 1947-48 में एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली थी और उसके बाद डीएवी लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री की थी। वो अलग बात है कि लॉ एक साल में ही उन्हें छोड़ना पड़ा था और यही वजह है कि डीएवी कॉलेज के छात्र, शिक्षक सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके कॉलेज के लिए इससे बड़े गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती कि अटल बिहारी वाजपेयी को आज भारत रत्न मिला है। वाजपेयी जी को भारत रत्न दिए जाने से हर कोई खुश तो है, लेकिन उन्हें इस बात का गम भी है कि स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते अटल बिहारी वाजपेयी खुद अपने हाथों से भारत रत्न नहीं ले पाए। आज नीति आयोग की उप समिति की पहली बैठक नीति आयोग में संयोजक शिवराज सिंह चौहान और नीति आयोग की सीईओ की अध्यक्षता में हुई। पहली बैठक में 7 राज्यों के मुख्यमंत्री और बाकी राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सभी राज्यों ने अपनी जरूरत के मुताबिक राय दी। खासतौर पर सभी राज्यों ने एक सुर में कहा कि राज्यों के लिए केंद्र की योजनाएं लचीली होनी चाहिए और राज्य खुद अपने यहां की योजनाओं के लिए एक्शन प्लान तैयार करें। इसके अलावा केंद्र और राज्य के फंडिंग पैटर्न को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में ये तय किया गया कि एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें केंद्र और राज्यों के नोडल अधिकारी शामिल होंगे जो बैठकर सभी राज्यों की मांग पर विचार करेंगे और उसके बाद 27 अप्रैल को उप समिति की दूसरी बैठक होगी और उसमें फाइनल फैसला लिया जाएगा। बाकी राज्यों की राय जानने के लिए 16 अप्रैल को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक बुलाई गई है जिसमें बाकी राज्यों की राय भी शामिल की जाएगी। फिलहाल नीति आयोग के नए प्रारूप को लेकर मंथन जारी है। अब देखना यह होगा कि नीति आयोग से केंद्र और राज्यों में विकास की रफ्तार बढ़ेगी या नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है वो किसानों की मौत के मामले में किसानों के घर तक जाएं, जांच पड़ताल करके विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजें। मुख्यमंत्री ने ताकीद की है कि किसी भी प्रकार से किसान के परिवार का शोषण नहीं होना चाहिए। दरअसल बारिश को लेकर के जिस तरीके से अखिलेश सरकार कटघरे में है, लगातार विधानसभा से लेकर सड़क तक सरकार की आलोचना हो रही है। सरकार बैकफुट पर है और इसीलिए सरकार लगातार एक के बाद एक ऐलान कर रही है। पहले 200 करोड़ रुपए के ऐलान हुए, फिर 500 करोड़ रुपए के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया और अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 744 करोड़ रुपए की सहायता राशि के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया और ये कहा है कि भारत सरकार आपदा राहत में उत्तर प्रदेश की मदद करे। दरअसल किसानों को लेकर बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन 50% से ज्यादा है और प्रधानमंत्री के साथ समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने इस पूरे मुद्दे को जमकर उठाया। अब इस पूरी आलोचना का शिकार उत्तर प्रदेश सरकार, जो किसान वर्ष भी बना रही है इस साल, किसानों पर आई हुई मुसीबत को लेकर के सरकार बेहतर छवि के साथ सामने आना चाहती है और इसीलिए मुख्यमंत्री ने ये निर्देश जारी किए हैं। वाराणसी को क्योटो के तर्ज पर विकास करने के लिए क्योटो से जन प्रतिनिधि टीम वाराणसी का दौरा कर रही है, तो वहीं हृदय योजना के अंतर्गत अधिकारी भी यहां आकर वाराणसी के विकास का खाका तैयार कर रहे हैं।
वाराणसी के नगर निगम के सभागार में हो रही है बैठक वाराणसी के विकास का खाका तैयार कर रही है, जिसमें वाराणसी के विकास में अहम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। हृदय योजना की शुरुआत वाराणसी में पहले भी हो चुकी है, लेकिन वाराणसी में मौजूद धरोहरों का संरक्षण किसी प्रकार का हो, इसका DPR आज नगर निगम में नगर आयुक्त, मेयर और बनारस के सभी जिम्मेदार अधिकारियों के सामने पेश किया गया। जहां क्योटो से आए जापानी दल ने नगर निगम में MOU साइन की, तो वहीं हृदय योजना के आए तकनीकी सलाहकारों ने वाराणसी के विकास में एक पुख्ता प्लान को दिखाया, जिसके अंतर्गत हृदय का काम जमीन पर दिखे। हृदय के अंतर्गत वाराणसी में वाटर ATM, पेडिस्टल पाथवे और आकर्षक लाइटों का तोहफा जल्द वाराणसी को मिल सकता है। BJP की सरकार के 10 महीने पूरे होने के बाद अब वाराणसी में विकास की चर्चाएं तेजी से हो रही हैं। बहरहाल विकास की राह का इंतजार कर रहे वाराणसी के लोगों को अब काम का इंतजार है, जो अब तक कागजों या किसी मीटिंग हॉल तक ही सीमित है। 2017 के विधानसभा चुनाव का आगाज कर रही भारतीय जनता पार्टी के विशाल जनसभा में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहुंचे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र से सत्ताधारी समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे भाजपा के निशाने पर जहां समाजवादी पार्टी और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियां रही, जिले के मेहता पार्क में आयोजित भाजपा का विशाल धरना व प्रदर्शन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियां खाद, बीज, बिजली, पानी, सड़क एवं कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 2017 के चुनाव में प्रदेश सभा को उखाड़ फेंकना है। वहीं उन्होंने कहा कि विधायक के वेतन पर भत्ते पर राज्यपाल को सहमति नहीं देनी चाहिए, सिर्फ पूर्व विधायकों का ही भत्ता बढ़ना चाहिए था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कार्यकर्ताओं को 2017 के चुनाव के लिए ऊर्जा देने के साथ ही प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं सभा मुखिया के संसदीय क्षेत्र में भाजपा की यह मुहिम कितनी रंग लाएगी, यह देखने वाली बात होगी। कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश के निधन से रिक्त हुई भगवानपुर विधानसभा सीट पर अब सीधा मुकाबला BJP और कांग्रेस के बीच होगा। कांग्रेस के बागी प्रत्याशी मास्टर सतपाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। उनके नामांकन वापस लेते ही कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी ममता राकेश की राह आसान हो गई है। ममता राकेश को अब विधानसभा पहुंचने में ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके पीछे राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मास्टर सतपाल को काफी उपकृत किया है। मास्टर सतपाल को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का दर्जा तो दिया ही गया है, साथ ही प्रदेश कांग्रेस का महासचिव भी बनाया गया है। यह चाल खेलते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। जहां ममता राकेश की राह आसान की है, वहीं हरीश रावत ने यह भी एक चाल चली है कि अगर भगवानपुर उपचुनाव कांग्रेस जीत जाती है तो आलाकमान की निगाह में उनके नंबर बढ़ जाएंगे। मशहूर उपन्यास स्लम डॉग मिलियनेयर से अपनी खास पहचान बनाने वाले इलाहाबाद के विकास स्वरूप भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभालेंगे। इलाहाबाद में जन्मे विकास स्वरूप वैसे तो 1986 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, लेकिन उनका जो मुख्य रुझान है, जो उनकी मुख्य रुचि है, वो उपन्यास लेखन की तरफ ज्यादा रही है। विकास स्वरूप के उपन्यास Q2Q, जो आगे चलकर स्लम डॉग मिलियनेयर के नाम से एक फिल्म के रूप में परिवर्तित हुआ, इसने पूरी दुनिया में उस समय तहलका मचा दिया जब इस फिल्म को ऑस्कर के लिए पुरस्कृत किया गया। विकास स्वरूप इस समय संयुक्त सचिव के रूप में विदेश मंत्रालय में कार्यरत हैं और आने वाली 18 अप्रैल को वो इस नई जिम्मेदारी को संभालेंगे। विकास स्वरूप की इस नई जिम्मेदारी की खबर मिलते ही उनके गृह इलाहाबाद में परिजनों के बीच खुशी की लहर है। आधा दर्जन से अधिक देशों में विदेश सेवा में संयुक्त सचिव के पद की जिम्मेदारी संभाल चुके विकास स्वरूप सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। एक बार फिर मनरेगा की रकम पर घोटाले का दीमक लगा है। उन्नाव में ग्राम प्रधान, सचिव और अधिशासी अभियंता ने मनरेगा की रकम के 7 लाख रुपए डकार लिए। अब इस मामले में रिकवरी के आदेश जारी किए गए हैं। उन्नाव के हिलौली ब्लॉक में मुचुंडी ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत कराए गए कामों में जमकर धन का दुरुपयोग किया गया। गांव में विकास कार्य के लिए जो धन जारी किया गया था उसे हजम कर लिया गया। मामले की शिकायत के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने इस प्रकरण में जांच के आदेश दिए थे। जांच में ग्राम प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायक को 7,15,540 रुपए के गबन का दोषी पाया गया है।
थी कि वहाँ पे जो मनरेगा के काम है वो सही तरीके से नहीं किए गए हैं और उसमें अतिरिक्त धन जितना खर्च होना चाहिए उससे ज़्यादा खर्च हुआ है, तो उसकी जांच कराई गई तो उसमें करीब 7 लाख रुपए एक्सेस में खर्च हुआ, तो उसमें जो है 3 लोगों के खिलाफ बराबर का रिकवरी आदेश किया गया है। जांच की आंच के बाद जिलाधिकारी उन्नाव ने दोषियों से बराबर रकम की वसूली के आदेश दिए हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर इन घोटालेबाजों पर आखिर सख्त कार्रवाई क्या होती है। कौशाम्बी के बिजली विभाग को पलीता लगाने पर तुले हैं खुद सरकारी विभागों के बड़े अधिकारी। मामला बिजली विभाग के बिलों के भुगतान से जुड़ा है जिनको प्रशासनिक अफसरों ने सालों से नहीं भरा है। हमेशा से आरोप लगता है कि आम उपभोक्ता अपने बिजली के बिलों का भुगतान समय से नहीं करता है, जिसके कारण बिजली विभाग का राजस्व नहीं बढ़ पा रहा है। कौशाम्बी के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने बिजली विभाग से जब सरकारी दफ्तरों के बकाया बिलों और भुगतान की जानकारी मांगी तो खुद बिजली विभाग ने कौशाम्बी के ऐसे 27 दफ्तरों के नाम बताकर लोगों को हैरान कर दिया जिन्होंने कई सालों से बिजली विभाग के बिलों की अदायगी ही नहीं की। इन विभागों की सूची में सबसे पहले नंबर पर कौशाम्बी के जिला विकास अधिकारी का आवास है जिसका बकाया 4,18,000 रुपए है। इस तरह से एडीएम, एसडीएम, तहसील, विकास भवन और दूसरे अन्य सरकारी विभागों की फहरिस्त 27 के करीब है जिनका कुल बकाया 6 करोड़ से अधिक है। सालों से मुफ्त की बिजली जरा रहे सरकारी दफ्तरों की बिजली भुगतान के बाबत कब गुल होगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन इससे यह साफ हो गया है कि आम आदमी पर ही नियम, कायदे और कानून लागू होते हैं, सरकारी मुलाजिमों पर नहीं। पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रथम चरण में पास अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण और दस्तावेजों की जांच पड़ताल आज से झांसी के पुलिस लाइन में शुरू कर दी गई है। झांसी के पुलिस लाइन सभागार में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रथम चरण में पास 1600 अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण व दस्तावेज की जांच का काम शुरू हो गया। आज परीक्षण के पहले दिन 60 अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण होने के बाद दस्तावेज क्रमबद्ध तरीके से देखे गए। अधिकारियों के मुताबिक अभ्यर्थियों की जांच पड़ताल 27 मार्च से 13 फरवरी तक चलेगी। वहीं पुलिस अभ्यर्थी में महिला अभ्यर्थियों का परीक्षण 10 और 11 अप्रैल को किया जाएगा। इस दौरान डॉक्टरों का पैनल के साथ साथ जिला विद्यालय निरीक्षक, सीएमओ के अलावा पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में अभ्यर्थियों के जांच पड़ताल की गई। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज पहले दिन 60 अभ्यर्थियों की जांच पड़ताल हुई। वहीं पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जांच पड़ताल से संतुष्ट न होने पर अभ्यर्थी मंडलीय बोर्ड से अपील कर सकते हैं। यूपी के नौनिहाल अब सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर अप्रैल महीने से ही कक्षाओं में जाना शुरू करेंगे। इसकी तैयारी शासन के निर्देश के बाद हर जिले में शुरू हो गई है और गोरखपुर में भी उसी का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को ये निर्देश दे दिया है कि सभी स्कूलों की मॉनिटरिंग करके वहाँ के जो भी छात्र हैं वो पास होकर के अगली कक्षा में पहुँच रहे हैं उनकी पुस्तकों को सुरक्षित कर लिया जाए और जो नए छात्र नई कक्षा में प्रवेश करेंगे उनको पुरानी पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाए। ये पुस्तकें जैसे ही उन छात्रों के हाथ में आएंगी 1 अप्रैल से बेसिक शिक्षा के स्कूल खुल जाएंगे, यानी कि कहा जाए तो प्राइमरी स्कूल के छात्रों का क्लास अब 1 अप्रैल से ही हो जाएगा। जैसा कि सीबीएसई के पैटर्न में देखने को मिलता था कि अप्रैल के महीने में उनके स्कूल खुलते थे और छात्र पढ़ाई शुरू करते थे, वैसा ही अब बेसिक शिक्षा में देखने को मिलेगा। एक नई परिभाषा, एक नई शुरुआत उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है शिक्षा के माहौल को एक दूसरे से टक्कर देने के लिए। देखना यही है कि आने वाले समय में इसका परिणाम क्या निकल कर आता है। यूपी सरकार भले ही महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा कर रही है लेकिन हकीकत उससे उलट है। मामला हापुड़ के पिलखुआ स्थित सरकारी महिला अस्पताल का है जहां एक महिला 3 घंटे तक अस्पताल के बाहर प्रसव पीड़ा से तड़पती रही लेकिन अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचा। महिला के पति के मुताबिक उसने बार बार डॉक्टर को फोन करके आने के लिए कहा लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचा। बंद अस्पताल के बाहर तड़पती महिला की हालत देखकर एम्बुलेंस चालक का दिल पसीजा और उसने महिला को हापुड़ के जिला महिला अस्पताल पहुंचाया। जाहिर है अब सवाल बड़ा यह है कि जो डॉक्टर सरकार से मोटी तनख्वाह लेते हैं वो अस्पतालों में मौजूद क्यों नहीं होते? क्या यूपी सरकार का ध्यान इस ओर भी कभी जाएगा? कन्नौज जिले की तुरवा कोतवाली क्षेत्र में 1 साल पूर्व हुए सूजी मैदान लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आप
आपको बता दें कि बीती 9 मार्च 2014 को कन्नौज जिले के तिरुआ कोतवाली इलाके से 320 बोरी मैदा 50 बोरी सूजी से भरे ट्रक को पकड़े गए इन चोरों ने लूट लिया था, जिसके बाद इन चोरों ने ट्रक में भरे माल को औरैया जनपद में कौड़ियों के भाव भेज दिया था। घटना के बाद मैदा कारोबारी ने तिरुआ कोतवाली में लूट का मुकदमा दर्ज कराया था। एक साल तक जांच चली, जिसमें पुलिस ने अपनी सर्विलांस टीम की मदद से लूट के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से ट्रक की बरामद कर ली है। सब इंस्पेक्टर तारिक खान द्वारा गुड़वर्क किया गया है। एक साल पहले यहाँ एक मैदा ट्रक में लूट हुई थी। इसके जो वादी थे ये अभी 3-4 दिन पहले मुझे मिलने आए। ट्रक से लगभग 3.5 लाख रुपए का मैदा चोरी। जो ड्राइवर हैं ये अक्सर क्या करते थे कि नंबर प्लेट वगैरह बदल के फर्जी कागज बना के एक दो बार माल ट्रांसपोर्ट करके पहले विश्वास जीतते थे और उसके बाद एकदम से उस माल को लेकर चंपत हो जाते थे। फिलहाल पकड़े गए लुटेरों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान इन लुटेरों से और भी लूट की घटनाएं खुल सकती हैं। यूपी के बरेली में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। वारदात उस समय हुई जब बच्ची अपने माता पिता के साथ मौसेरी बहन की शादी में शामिल होने आई। मामला बरेली थाना देवरनिया क्षेत्र के गांव शाहपुरा का है, जहां 6 साल की मासूम बच्ची अपने माता पिता के साथ अपनी मौसेरी बहन की शादी में आई थी। बच्ची जिस वक्त डीजे पर डांस कर रही थी, उसी वक्त गांव के ही एक युवक ने 10 रुपए का लालच देकर मासूम बच्ची को गेहूं के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। लोगों के काफी तलाशने पर बच्ची बेहोश हालत में गेहूं के खेत में मिली, जहां पर उसके साथ दुराचार हुआ। फिलहाल पुलिस ने चुस्ती फुर्ती दिखाकर 42 वर्षीय कृष्णपाल को गिरफ्तार कर लिया है। विवाह समारोह था जहाँ एक नाबालिग बच्ची थी 6-7 वर्ष की, उसको उसके जानने वाले ही एक व्यक्ति ने महिला फुसला करके ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसको तत्परता से कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी दरिंदगी वाली घटनाओं में अपराधी को इतनी कठोर सजा होनी चाहिए जो कि दूसरों के लिए एक सबक बने और घर वालों को एहसास हो कि उनके साथ न्याय हुआ है। राजधानी पुलिस ने मोहन होटल के मालिक से 2 करोड़ की फिरौती मांगने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस युवक के 4 साथियों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस का कहना है कि ये युवक पिछले कई दिनों से SMS और फोन के माध्यम से मोहन होटल के मालिक अनिल को धमकी देता था और कहता था कि अगर उसने फिरौती नहीं दी तो वो उसके लड़के की हत्या कर देगा। 2 करोड़ की फिरौती का ये मामला जैसे ही पुलिस की संज्ञान में आया, पुलिस की आला अधिकारी इस पूरे मामले को सुलझाने में लग गए। कई टीमें बनाई गई और सर्विलांस की मदद से आखिरकार 3 दिन बाद इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायबरेली का ये रहने वाला युवक काफी पढ़ा लिखा बताया जा रहा है। उसका कहना है कि इन 2 करोड़ रुपए से वो गरीबों की मदद करना चाहता था, तो वहीं पुलिस का कहना है कि वो इन पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी बिताना चाहता था। फिलहाल अब ये युवक पुलिस की गिरफ्त में है और अब ये सलाखों के पीछे जाने वाला है। इलाहाबाद में आज झूठी शान के लिए 2 लोगों का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। मामला इलाहाबाद के झूसी थाना क्षेत्र के कोहरा गांव का है। इस गांव में रहने वाले 45 बरस के नंचू और कोमल का प्रेम प्रसंग चल रहा था। चश्मदीदों और पुलिस की माने तो लड़की के परिजन इस रिश्ते को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे, लिहाजा उन्होंने इन दोनों को कई बार समझाया भी था, लेकिन जब दोनों नहीं माने तब आज लड़की के परिजनों ने उनके घर जाकर उन पर हमला बोल दिया और लड़की और नंचू के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुलिस ने मौके से आलाय कत्ल बरामद कर लिया है, साथ ही साथ 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। इसमें जो लग रहा है मेन मोटिव तो ये लग रहा है कि दोनों साथ में रह रहे थे, इसे हिनोट होकर हत्या की गई है। एक्चुअल मारने में कौन कौन लोग हैं ये अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, और मुझे उम्मीद है कि शाम तक क्लियर हो जाएगा और अभी तो की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। पूरी वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इन हत्यारों को वो गिरफ्तार करेगी। गंगा यमुना के उत्तम उत्तरकाशी जिले में अब शराब ही शराब मिलेगी। सरकार ने अपने फायदे के लिए जनपद में अंग्रेजी शराब की संख्या 12 से बढ़ाकर 18 कर दी है। नई 6 दुकानें दुरुस्त ग्रामीण इलाकों में खुलेंगी। स्थानीय लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि आस्था के साथ चारधाम यात्रा को आने वाले यात्रियों को जब यात्रा के मुख्य केंद्र गंगा यमुना के मायके में चारों तरफ शराब ही शराब की दुकानें दिखेंगी तो उनकी भावनाएं आहत होंगी। जिले में 12 शराब की दुकानें पहले से हैं, जिससे सरकार को 20 करोड़ का राशि मिलता है। हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि उत्तरकाशी जिले में जो 6 शराब के ठेके और खुलने हैं, और जैसे मुख्यालय शुरू होता है गेट पे, मुख्य गेट पे जो शराब की दुकान 6 दुकानें और खोलेंगी 12 पहले से है, तो आखिर सरकार चाहती क्या। जनपद में 6 विदेशी मदिरा की दुकानें स्वीकृत हुई है
इससे एक तो हमें 1 करोड़ लगभग राजस्व मिलेगा। आज पालिका का कहना है कि इन 6 नई शराब की दुकानों से 1 करोड़ राजस्व अतिरिक्त मिलेगा और अवैध शराब पर लगाम लगेगा। बुलंदशहर में बीते 10 दिनों में एक नाबालिग छात्रा खुद के साथ हुई दरिंदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भटक रही है, लेकिन पुलिस इस मामले में टालनटोल कर रही है। पीड़िता का आरोप है कि नरोरा के थानेदार कौशलेंद्र यादव ने आरोपी को शांति भंग की मामूली धाराओं में चालान कर दिया और पीड़ित के पिता को थाने से भगा दिया। इतना ही नहीं, जेल भेजने तक की धमकी दी गई और जिसके बाद पीड़िता ने एसएसपी के यहां गुहार लगाई, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि नरोरा के थानेदार कौशलेंद्र यादव सत्ताधारी पार्टी में हरख रखते हैं, जिसके चलते उनके ऊपर कई बार मनमानी करने के आरोप लग चुके हैं। देवरिया जनपद से 6 किलोमीटर दूर माँ अहिल्या देवी का अद्भुत और अलौकिक मंदिर है। आइए लेकर चलते हैं और माँ अहिल्या देवी का दर्शन आपको आज कराते हैं। आइए ले चलते हैं आपको माँ अहिल्या देवी मंदिर में। यह स्वयंभू माता का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1832 के करीब हुआ। यह पूरे प्रदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। नवरात्र में यहाँ प्रतिदिन हजारों की भीड़ जुटती है। मान्यता है कि 1856 में यहाँ अंग्रेज रेलवे लाइन का निर्माण करा रहे थे। पूरे दिन काम होता था और रात को बिजली लाइन अपने आप गायब हो जाती थी। अंग्रेज भी माँ की शक्ति का लोहा मान गए और उन्होंने मंदिर से 300 मीटर दूर रेलवे ट्रैक को कर्व कर दिया। माँ का मंदिर बहुत पुराना है, अद्भुत है। आज जो मन्नत मानी जाती है वो पूरा होता है। हम भारतीय क्या पूरा अंग्रेज भी लोहा मान जाते हैं और बहुत जगता मंदिर है, यहाँ लोगों का हर काम पूरा होता। कहते हैं जिसको रखे तो माँ उसे कौन मारेगा, ललकार से तेरी माँ यमराज हारेगा। यह माँ की अद्भुत शक्ति का प्रतीक है और जो भक्त माँ की सच्चे मन से पूजा करता है उसका यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।